good morning my dear students on behalf of rasa international school i hope you all are safe and fine at home today i'm going to teach you english language chapter number 8 adjective and its kinds this is part 2 of this video and it is on page number 43 to 45 so students in part 1 of this video we have already learned about definition of adjective adjective of quality adjective of quantity adjective of number and interrogative adjective today we will learn about difference between interrogative adjective and interrogative pronoun demonstrative adjective possessive adjective distributive adjective and emphasizing adjective so let's start it with difference between interrogative adjective and interrogative pronoun इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव वो इज फॉलोड बाई अ प्रोपोजिशन अमंग वैन यूज बिफोर द प्रोनाउन दैम हाउ एवर नो प्रपोजिशन इज रिक्वायर्ड बिफोर अ नाउन इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव जो प्रोनाउन से पहले यूज किए जाने पर एक प्रपोजिशन द्वारा पीछा किया जाता है हालांकि नाउन से पहले किसी प्रपोजिशन की नीड नहीं होती है नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंटोगेटिव एग्जेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एगजेक्टिव इज फॉलोड बाई अ नाउन और प्रोनाउन वाइल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ फॉलोड बाई अ वर्ब इन अन्टेंस मीन्स जो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव में सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है जबकि इंटोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है लुक एट द गिवन सेंटेंसेस मीन्स नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखें फर्स्ट सेंटेंस इज विच बुक आर यू लुकिंग फोर आप किस किताब की तलाश कर रहे हैं सो हेयर इंटोगेटिव वर्ड विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाई अनाउन बुक ओके नेक्स्ट इज विच इज़ योर हाउस आपका घर कौन सा है सो so हेयर interrogative word which is immediately followed by a verb is see here next is what subjects do you like means aapko kaun subject pasand kya subject pasand so here interrogative word what is immediately followed by a noun subject okay next is वॉट इज़ योर नेम मीन्स आपका क्या नाम है सो हेयर इंट्रगेटिव वर्ड वॉट इज इमीजिएटली फॉलोड बाई अ वर्ब इज नेक्स्ट इज डिमोन्स्ट्रेटिव एब्जेक्टिव इट इज़ यूज टू डिमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट विच नाउन पर्सन और थिंग इज मीट मीन्स जो इसका यूज है नाउन पर्सन एंड थिंग का अर्थ प्रदर्शित करने या इंगित करने के लिए मीन्स पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है ओके एग्जाम्पल सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस शॉप ऑफर मोर डिस्काउंट देन अदर्स यह दुकान दूसरों की तुलना में अधिक छूट प्रदान करती है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दोज बॉयज आर और क्लासमेट्स वे लड़के हमारे क्लासमेट्स हैं

इन अ सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कम्स इमिजिएटली बिफोर द नाउन इट डिमोन्स्ट्रेट्स और पॉइंट आउट मीन्स एक वाक्य में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस नाउन के ठीक पहले आता है जो वह पॉइंट आउट करता है मीन्स जिस नाउन को पॉइंट आउट करता है उससे ठीक पहले क्या आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है ओके नेक्स्ट इज पजिव एडजेक्टिव इट इज़ यूज टू इंडिकेट बिलोंगिंग पोजिशन और ओनरशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस मीन्स जो इसका यूज है किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के संबंध मीन्स बिलोंगिंग अधिकार और स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता है इट आंसर द क्वेश्चन हु किसका है का आंसर करता है एग्जाम्पल सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे आर माई फ्रेंड्स वे मेरे मित्र हैं सो हेव हुज फ्रेंड्स दे आर माई फ्रेंड्स हिज हाउस इज क्वाइट फार फ्रॉम हेव उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है सो हूज हाउस इज़ फार हिज़ हाउस इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हेव नेक्स्ट इज और फ्रेंडशिप डेट्स बैक टू और चाइल्डहुड डेइस हमारी दोस्ती हमारे बचपन के दिनों की है सो हुज़ फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप ओके होज़ चाइल्डहुड हुड और नेक्स्ट इज देयर बस मेट विद एन एक्सीडेंट उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया सो हुज़ बस देयर बस मेट विद एन एक्सीडेंट

नाउन को फॉलो करता है पॉजिसिव एडजेक्टिव एक नाउन को फॉलो करता है यह है से मीन्स नाउन से पहले आता है जबकि पजिसिव प्रोनाउन वर्ब को फॉलो करता है यह एक सेंटेंस में वर्ब के बाद आता है लुक एट द गिवन सेंटेंसेस मीन्स नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखें सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हिज फादर इज एन एम एल पिता एक एम एल ए मीन्स विधायक हैं सो हेयर

So, here the position showing word are comes before the noun garden. See here. Next is the well maintained garden is ours. Here the position showing word ours comes after the verb is. Okay. Next is the house was sold. Means Becha hua ghar So, here the position showing words there comes before the noun house. See here? Next is the sold house was theirs. Unkaghar tha. So here the position showing word theirs comes after the verb was. See here? Okay. Next is distributive adjective. It is used to denote each one of द नाउन और प्रोनाउन मीन्स इसका यूज़ हर एक नाउन और प्रोनाउन को बताने के लिए किया जाता है एग्जाम्पल सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ईच स्टूडेंट वॉज गिवेन असाइनमेंट्स मीन्स प्रत्येक छात्र को असाइनमेंट दिए गए नेक्स्ट इज एवरी डॉग हैज़ हिज डे मीन्स हर डॉग का अपना दिन होता है थर्ड इज नाइदर प्लेयर played well in the match, match mein kisi bhi player ne achapradashan. pradarshan nahi Fourth is either decision is possible means koi bhi decision koi bhi nirnay sambhav hai. So here each, every, neither and either are distributive adjective. Next is emphasizing adjective. It is used to increase or decrease the effect impact of noun it describes. मीन्स इसका यूज़ इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स इसका यूज़ नाउन के प्रभाव को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है इट प्लेज एन एडिक्शनल रोल इन अ सेंटेंस आई ई इवन इफ इट इज़ नॉट प्रजेंट द सेंटेंस गिव्स कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस यह एक वाक्य में एक अतिरिक्त भूमिका निभाता है मीन्स भले ही वह मौजूद ना हो लेकिन अर्थपूर्ण अर्थ को पूरा करते हैं मीन्स इसका यूज नाउन के प्रभाव को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है यह एक वाक्य में एक अतिरिक्त भूमिका निभाता है भले ही वह मौजूद न हो प्रेषक अर्थपूर्ण अर्थ को पूरा करते हैं एग्जाम्पल सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सॉ द एक्सीडेंट विद हिज ओन आइस उसने दुर्घटना को अपनी आँखों से देखा नेक्स्ट इज दे शीव लेबर्स लेबर हैज़ पेड ऑफ उनके सरासर श्रम का भुगतान किया गया है थर्ड एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट हैड एप्सोल्यूट ब्लैंक फेस मीन्स छात्र का चेहरा बिल्कुल खाली था एप्सल्यूटली ब्लैंक था फोर्थ इज ही रिप्लाइड विद सच एंड इनोसेंस डेट एवरी वन बिलीव उसने इतनी मासूमियत से जवाब दिया कि सभी को विश्वास हो गया सो हेयर ऑन आइस शेर एप्सल्यूट एंड सच एन इनोसेंस आर एम्फेसाइजिंग एक्जेक्टिव नेक्स्ट इज यूज ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी अ सिम्बलिस मीन्स एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज सिम्बलिस के रूप में सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट वाट इज सिम्बली सिम्बली इज बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कम्पेरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड यूज़ टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर इम्पेथिक और मीन्स सिम्बली क्या है सिम्बली बेसिकली ए फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज के साथ की जाती है एक अलग तरह से की जाती है जिसका यूज डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा एम्पैथिक मीन्स जोरदार बनाता है सो एन एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज़ यूज इन अ सिम्बली टू कम्पेयर टू थिंग्स डेट शेयर अ कॉमन फीचर और क्वालिटी एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो यूज है सिम्बली में दो चीज़ों के कंपेरिजन के लिए किया जाता है जो एक समान क्वालिटी और सेम फीचर शेयर करते हों द वर्ड अज और लाइक इज़ यूज टू कम्पेयर टू वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल अज कोल्ड अज डॉग्स नोस मीन्स जैसे वर्ड्स अर्ज और लाइक का यूज़ दो वर्ड की तुलना करने के लिए किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग की जो नोज़ डॉग की नोज़ की तरह ठंडा मीन्स कुत्ते की नाक की तरह ठंडा तो यहाँ किसी चीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा है डॉग की नोज़ से कि वह चीज़ उतनी ही ठंडी है जितनी कि डॉग की, की नोज़ होती है गिविन बिलो आर सम कॉमन सिम्बल यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ की जाने वाली कुछ सिम्बलीस नीचे दिए गए हैं फर्स्ट इज़ अस अफ्रेड फ्रेड अग्रेस होपो मीन्स टिड्डे की तरह डरे हुए नेक्स्ट इज़ अस एजलेस द सन मीन्स सूरज की तरह एजलेस। नेक्स्ट इज अजा अस अजाइल अर्ज अ कैट मीन्स बिल्डी की तरह फुर्तीला नेक्स्ट इज़ अज अ लाइक अज टू पीस मीन्स दो मटर के समान नेक्स्ट एस एंग्री अज वेस्ट मीन्स ततया की तरह गुस्से में नेक्स्ट इज अज ब्यूटिफुल एज अ रेनबो मीन्स रेनबो की तरह ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर एज बिग एज एन एलिफेंट मीन्स एलिफेंट की तरह बड़ा नेक्स्ट इज़ As bold as loin means loin kitraha, bold means Bahadur. Next is as brilliant as stars means Sitaro Kitarha. Brilliant means Shandar. So, student, the rest are like this, which you must have seen and understood once by yourself. So, students, I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.